अब ये बात अलग है कि विवेकहीनता के कारण सद की प्राप्ति के लिए भी असद मार्ग से किया गया प्रयत्न सफल नहीं होता, जैसा कि स्यमंतक मणि के इस कथा में आप देखेंगे। कि कैसे एक सद्वस्तु का, सूर्य के द्वारा दिए गए प्रसाद का, असद रूप से शिकार करने के लिए प्रयोग करने गया हुआ मनुष्य का वध हो जाता है। ये कथा तो आप सब जानते हैं। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी माता के साथ हो गया। अब उनका तीसरा विवाह, विवाह शब्द जब आता है तो एक बात याद कर लेना चाहिए कि विवाह सिर्फ भारत में, बाकी हर जगह एग्रीमेंट है, अनुबंध। यहां विवाह है और विवाह के साथ निर्वाह है, बाकी जगहों पर बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो अलग, पर हमारे सनातन संस्कृति में कोई ऐसा विधान नहीं बनाया गया था। यह माना ही जाता है कि वर और कन्या मिले तो विष्णु और लक्ष्मी की तरह जन्म जन्मांतर तक ये संग रह कर धर्म कार्य को करते रहेंगे। अतः विवाह और निर्वाह की परंपरा तो केवल भारत में है, बाकी अपनाओ छोड़ो, बात न बने तो उधर चले जाओ, आज मम्मी है कल आंटी हो जाएगी, विदेशों में पता ही नहीं चलता कब मम्मी थी कब आंटी बन गई, कब पापा थे कब अंकल हो गए। पर ये निर्वाह की परंपरा, ये शुद्धता, ये बुद्धता, यह सिर्फ हमारे सनातन संस्कृति में है, क्योंकि यह 16 संस्कारों वाला सुंदर जीवन की विधा है। वेद ने, ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन के श्रेष्ठतम उपलब्धि के लिए जिन नियमों का निर्धारण किया वह और दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं चले जाओ, इतनी अच्छी संस्कृति, विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ एक एक विधान, और कहीं नहीं मिलेगा। परंतु भारत ने कालांतर में सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण, कभी कोई सक होने अंग्रेज मुगल जिसको मनाया, मुंह उठाए 500,000-2,000 लुटेरे चले आते और भारत के करोड़ों लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य कर लेते। शूरता और वीरता में भारत अग्रणी था, परंतु आप जानकर हैरान हो जाओगे, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 30,000 सैनिकों को लेके, कभी कोई गजनी, गोरी, बाबर आते और पूरी तरीके से तुम्हारे देश के ऊपर में अपना शासन तंत्र कायम कर लूट कर तुम्हें ले जाते। क्या कारण था? जो राष्ट्र अपने इतिहास से सीखने को राजी नहीं होता, उस राष्ट्र को वही दुर्दशा बार बार झेलनी होती है।
विश्वामित्र की तरह एक बार किसी मेनका के साथ, यद्यपि ये भगवत प्रदत्त लीला है, तात्विक रूप से इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, परंतु भगवान की लिखी गई पटकथा के अनुसार उनको यही रोल करना था। और हम जैसे साधु संत ऋषि साधक सज्जन, इन सबको मानो विश्वामित्र जी भगवान के कहने पे आगाह कर रहे हो कि भैया होशियार, सावधान, ये चंचल इंद्रियां किसी भी समय मन का संग लेकर, विवेकहीनता को उपलब्ध होकर, उस बुद्धि से अपनी शुद्धि की बजाय भ्रष्टता की ओर आपको ले जा सकती हैं। यह केवल ट्रैफिक के सिग्नल की तरह रेड लाइट दिखाया गया हमको। ट्रैफिक पे खड़ा रेड लाइट सिर्फ यह बताता है कि सावधान, आगे मत बढ़ो, बढ़ जाओगे तो लाइट थोड़ी पकड़ेगा आगे जाके कि लाइट क्रोध से उतरेगा, अरे हम लाल जल रहे हैं तू कैसे आगे चला गया, लाइट का काम है जलना। पर हां यह जरूर है, जैसे हमारी बहन यहां बैठी हैं तो वहां कोई ना कोई वर्दीधारी होगा जो आपके उस उल्लंघन के कारण भारतीय दंड संहिता के अनुरूप आपको दंडित करेगा, आपकी यात्रा बाधित होगी। ऐसे ही मानवीय जीवन की यह सुंदर यात्रा जो आनंद की उपलब्धि के लिए भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को दिया, तो जगह जगह विधान बनाए, नियम बनाए, संस्कार बनाए, जिन्होंने पालन किया वो लालन के साथ आनंद किए, पर जिन्होंने उल्लंघन किया तो लंघित मर्यादा के कारण तक्षक के विषाक्त दंश से उन्हें अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा।